अम्मी, अब भाई कैसे हैं? और आपा की क्या खबर है? समझ गई, हॉस्पिटल से निकलते वक्त मुझे बता दीजिएगा। तुम्हारे भाई का क्या हाल है? अम्मी ने बताया ठीक है, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में ही है। तुम जाना चाहो तो जाओ, अपने भाई से मिलने। अम्मी ने मना किया है, मुझे दुकान जाना है, नहीं गई तो नाराज होंगी। वो पहले ही मुझसे नाराज है। तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र है, अच्छी बात है ये। हम सबको है। तुम तीन बहन भाई हो ना? जी हाँ, एक बड़ी बहन और एक बड़े भाई हैं। हम बचपन से कभी अलग नहीं रहे, हमेशा साथ रहे हैं हम। खासकर आपा के साथ। हमें लगता था कि हम जुड़वा हैं, हत्ता कि हमारे बाबा हमारे कपड़े भी बिल्कुल एक जैसे बनाते थे। पड़ोस के लोग भी अक्सर हमें जुड़वा कहते थे। दरअसल हम दोनों की उम्र में इतना फर्क नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा हमेशा एक बड़ी बहन की तरह ख्याल रखा है। बल्कि एक मां की तरह। एक बार स्कूल में मुझसे गलती हो गई थी तो उन्होंने मेरे खातिर इल्जाम अपने सर ले लिया। वो मुझ पे नजर रखती थी ताकि मुझे कुछ ना हो, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए। वो कुछ भी कर सकती है। और ऐसा ही किया उन्होंने। भूख लग रही है मुझे, चलो उठो तुम, दुकान चलकर कुछ खाते हैं, चलो। मौसम कितना अच्छा है ना, देखो हम रोज निकलते हैं, यहाँ चलते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। खाला, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अली के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या हुआ मीने, क्या देख रही हो? अली! देखो ये अली नहीं है, कोई और है, ये कोई और है। मेरी तरफ देखो, देखो इधर मीने, मेरी तरफ देखो। ये अली है, उसके साथ कोई लड़की भी है। मीने वो अली नहीं है। मीने नहीं, इसने मुझे किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया। मीने अली, ये
समझी तुम? इसका पीछा छोड़ दे, क्या कर रही है? छोड़ दे इसे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मीने, छोड़ दे इसे, मीने मेरा है। मीने समझ गई तुम? मैं मीने हूँ। मीने ये मेरा है। मीने मेरे अली का पीछा छोड़ दो। मीने मीने मेरी बात सुनो। मीने मीने तुम सुकून हो जाओ। अली सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है। ठीक है बस सब ठीक, खामोश हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम सुकून हो जाओ। मीने छोड़ोगी नहीं इसे? सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है सब। मेरे जीवदत्त, उन्होंने तुम्हें कैसे मारा? कैसे? किससे बात कर रही थी अम्मी? सुमृत से कर रही थी, भाई के लिए फिक्रमंद थी। मेरे ख्याल से आपको उसे बता देना चाहिए था अम्मी, फिर वो गुस्सा होगी। मेरे जीवदत्त को ठीक होने दो, वो मना लेगा उसे। मेरे बेटे, आंखें खोलकर अपनी अम्मी को देख लो। कब से यहां खड़ा इंतजार कर रहा हूं? क्या दो मिनट के लिए मरीज को किला नहीं छोड़ सकते? शुक्र है। मेरी बात सुनो। क्या हुआ? साथ लेके चलो मुझे। सुना नहीं तुमने, हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ मैं। मुझे भाई को देखना है अपने। तुम्हें मुझ पे जरा भी तरस नहीं आ रहा? कितने बेरहम और संदल आदमी हो तुम। शायद पत्थर को भी रहम आ जाए लेकिन तुम्हें नहीं आएगा। कैसे इंसान हो तुम, गोली मारती भाई को, दे सकते थे लेकिन नहीं दिया तुमने। कोई इतना बेहस कैसे हो सकता है? अच्छा ही किया जो खून नहीं दिया तुमने। तुम जैसे बेजमीर आदमी का खून लगने से बेहतर था कि मर जाता मेरा भाई। और इस सब के बावजूद भी मुझे उनसे मिलने तक नहीं देते। तुम्हें ऐसा करने का क्या हक है? क्या हक है तुम्हें? तुम कितने बेरहम और सफाक आदमी हो। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। अगर तुम मेरी बात सुनती और पुरसुकून रहती तो ऐसा नहीं होता। कमरे में जाओ, कहीं नहीं जाओगी तुम। हाँ इसी की मुस्तहिक हूँ मैं।